हेलो गाइस, मैं हूं सचिन और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव सचिन। दोस्तों, आज मैं वीडियो के अंदर एक 3.7 वोल्ट लिथियम बैटरी चार्जर बनाया हूं। ये चार्जर मॉड्यूल है, आप भी घर में बना सकते हो, बिल्कुल होम मोड है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, वीडियो के अंदर मैं पूरा डिटेल्स में मैं समझाया हूँ इसको कैसे बनाया हूँ, तो चलिए फ्रेंड वीडियो को पूरा देखिए। आपको एक एलईडी चाहिए, इंडिकेटर एलईडी, एक 5 वोल्ट फीमेल जैक चाहिए, एक 4007 का डायोड और ये 1K का रजिस्टर, एक पीसीबी का बोर्ड चाहिए। मैं इसके ऊपर सर्किट को बनाऊंगा, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले इसको ओपन करना है, जो बैटरी के लिए जो प्रोटेक्शन रहता है ना बैटरी के अंदर, उसका यूज़ करूँगा। तो ये देखिए, मैं पहले से एक निकाल के रख दिया हूँ, ये 3000 mAh का बैटरी के साथ था, ये देखिए ये बैटरी के साथ ये था, तो इसको मैं पहले से ओपन कर लिया था। ठीक है, तो इसका बैठाऊंगा पीवीसी बोर्ड के ऊपर, तो ये अच्छा से चार्ज होगा, मतलब प्रोटेक्शन के साथ चार्ज होगा, ओवरलोड चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो आप वीडियो का ऊपर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक फीमेल जैक को सेट करना है, जिससे हमारा बैटरी चार्ज होगा, जो जैक रहता है उसको सेट करना है। इधर आप इसको प्रिंट डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट इसीलिए नहीं करता हूँ, वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फिक्स हो जाएगा, पूरा सोल्डिंग कर दूंगा तो पूरा फिक्स हो गया, ज़्यादा दिन टिकेगा। ठीक है, तो चलिए इसको सेट कर देते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, आप भी घर में ईजिली बना सकते हो, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो। तो देखिए, पिन को मैं बैठा दिया, उसके बाद एक बार चेक कर लेता हूँ इसमें, ये तो ख़राब नहीं है, वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है वो चेक कर लेता हूँ। तो चलिए, मल्टीमीटर को ऑन कर लेता हूँ DC20 में। तो ये देखिए फ्रेंड, बिल्कुल 5 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, इस प्रोटेक्शन को लगाने के बाद थोड़ा वोल्टेज कम आएगा, मतलब डायरेक्ट बैटरी से 5 वोल्ट आता है, लेकिन प्रोटेक्शन देने से थोड़ा वोल्टेज कम हो जाता है, हमारा ओवरलोड चार्ज नहीं होगा इसमें। तो चलिए, मैं डायोड को पहले लगा लेता हूँ, ये 4007 का डायोड है फ्रेंड, ये आपको कोई भी पुराना चार्जर के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, कोई सभी सर्किट में 4007 का डायोड रहता है, तो आप वहाँ से निकल के आप कर सकते हो। ये LED भी रहता है वो चार्जर के साथ, और 1K का रजिस्टर भी रहता है। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं कैसे बना रहा हूँ नहीं बना रहा हूँ। दोस्तों, मेरे को हिंदी ज़्यादा नहीं आता है, मैं सोच रहा हूँ आप मेरे बात समझ में आ रहा है कि मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, मेरा बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपको मेरा हिंदी आ जाएगा समझ में। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो। तो देखिए फ्रेंड, डायोड, रजिस्टर, LED और फीमेल जैक को मैं सेट कर दिया, उसके बाद थोड़ा पेस्ट लगा के इसमें इसको सोल्डिंग कर देना है। तो चलिए, मैं फटाफट से सोल्डिंग कर लेता हूँ, थोड़ा वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। ये फ्रेंड, अच्छा से जंपर कर दिया हो पूरा, जिधर जिधर कनेक्शन है। वीडियो को मैं इसीलिए फास्ट कर देता हूँ फ्रेंड, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो नहीं दिखता है। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारे इंडिकेटर कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इसका वोल्टेज चेक कर लेता हूँ, कितना आउटपुट दे रहा है। तो देखिए फ्रेंड, प्लस माइनस में दे देना है। तो ये देखिए फ्रेंड, 5 वोल्ट अभी भी आ रहा है, जब चार्जर मॉड्यूल को लगा लूँगा इसमें प्रोटेक्शन को, तो ये वोल्टेज थोड़ा कम हो जाएगा। तो चलिए, उसके बाद इसमें मैं मार्क कर देता हूँ प्लस माइनस, क्योंकि मेरे को समझ में आ जाए कि इधर प्लस माइनस है नहीं है। तो अभी इसको इधर लगाना है, जो चार्ज बैटरी के अंदर से जो प्रोटेक्शन निकाला हो उसको इधर सेट करना है, तो प्लस माइनस को बाहर ले लेना है। ठीक है, तो मैं देखिए, ये देखिए फ्रेंड, मैं एक जो डायोड का LED के साथ जो रहता है ना, ले बड़ा बड़ा जो रहता है, इसको कटिंग करके जो वेस्ट वाला था उसको मैं प्लस माइनस में जोड़ दूंगा, ताकि वह बाहर आसानी से निकल जाएगा और उधर सोल्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो भी आपको देख के पता चल जाएगा मैं कैसे कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, और बात भी मेरे आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरे को माफ़ करना, मेरे को हिंदी ज़्यादा नहीं आता है।
तो ये देखिए इसको अंदर ले लेता हूँ, प्लस माइनस को मैं चेक करके लगाना है। तो ये देखिए इसको ले लिया, उसके बाद इसको भी सोल्डिंग कर लेना है अच्छा से। तो दोस्तों मैं वीडियो बहुत मेहनत करके बनाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो। तो देखिए इसको फेविक्विक से पूरा फिक्स कर दिया हूँ ताकि ये निकल के ना आ जाएगा उसी लिए। तो देखिए ये चिपक गया है, पूरा टाइट फिक्स हो गया है। उसके बाद प्लस माइनस में भी फिक्स सोल्डिंग कर देना है अच्छा से। पीवीसी बोर्ड पीसीबी बोर्ड के ऊपर इसीलिए कर रहा हूँ ताकि ये मतलब ज़्यादा दिन टिकेगा और पूरा फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये काम भी आएगा, मैं इसको आपको दूसरा पूरे प्रोजेक्ट में काम करके इसको दिखाऊंगा कि कैसे वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो देखिए इसके बाद इसका ऊपर मैं अच्छा से सोल्डिंग कर लेता हूँ प्लस माइनस में। उसके बाद जंपर कर देना है, जिधर माइनस है उधर माइनस कर देना है और प्लस में प्लस। तो ये देखिए फ्रेंड पूरा कर दिया हूँ, आपको मैं सामने से दिखा दो। उसके बाद उससे पहले इसको क्लीन कर देता हूँ अच्छा से। तो देखिए इसको क्लीन कर दिया हूँ ताकि इधर भी शॉर्ट और सोल्डिंग का जो रहता है वो हट जाएगा इसमें। तो ये देखिए उसके बाद दिखा दो, ये देखिए फ्रेंड 5 वोल्ट का जो माइनस वाला है वो इधर आ गया। उसके बाद जंपर होकर LED में चला गया एक, उसके बाद एक डायोड से एक रजिस्टर से और LED में चला गया, ठीक है। और ये दोनों प्लस माइनस बैटरी के लिए निकल गया है जो हमारा चार्जर मॉड्यूल में आ गया है। ये देखिए फ्रेंड इंडिकेटर कर रहा है, अब इसका वोल्टेज चेक करता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड 5 वोल्ट से थोड़ा कम आ रहा है, मैं पहले ही बता दिया था कि थोड़ा कम आएगा इसीलिए क्योंकि ये प्रोटेक्शन है ना, उसी लिए ओवर लोड चार्ज नहीं होगा। तो देखिए मैं एक बैटरी को लगा के आपको चेक करता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड ये पुराना बैटरी है, बिना प्रोटेक्शन के कैसे हो जाता है, ख़राब हो गया है। बहुत बैटरी मेरे पास था वो ख़राब हो गया है, ठीक है। तो बिना प्रोटेक्शन का अभी नहीं चलेगा क्योंकि चार्जर का जो एम्पियर है वो अभी नया चार्जर आ रहा है, सब ज़्यादा एम्पियर का है, उसी लिए बैटरी ख़राब हो जाता है। तो आपको प्रोटेक्शन दे के चार्ज करना है। तो ये देखिए प्लस माइनस में मार्क कर दिया हो, उसके बाद इसमें बैटरी आप आसानी से चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ। देखिए एक बैटरी ले लिया हूँ, इसका वोल्टेज पहले मैं चेक कर देता हूँ। ये देखिए ये 3.63 है, इसमें चार्ज करूँगा तो कितना होगा उसका बाद आपको दिखाऊँगा। तो पहले इसमें दोनों वायर लगा लेना है। तो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साइड में बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दो क्योंकि मैं ऐसे ही रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। बहुत मेहनत से प्रिंट वीडियो बनाता हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो ये देखिए ये 3.63 चार्ज है इसमें, उसके बाद बैटरी को चार्ज दे दूँगा थोड़ा, उसके बाद देखूँगा कितना चार्ज है। तो ये भी नहीं लग रहा है, इसको कटिंग करके डायरेक्ट सोल्डिंग कर दूँगा। तो चलिए इसको फटाफट से सोल्डिंग कर देता हूँ प्लस माइनस में। दोस्तों ये बहुत ही काम पे आएगा आपको किसी भी प्रोजेक्ट में बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड प्लस माइनस में मैं जोड़ दिया हूँ, उसके बाद इसको चार्ज कर दूंगा। जब भी चार्ज करूंगा तो ये रेड लाइट इंडिकेटर करेगा। तो आप वोल्टेज को देख लिया है 3.63 है। तो देखिए मैं चार्ज दे दिया हूँ, उसके बाद वोल्टेज दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड 4 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इसको कुछ मिनट रखता हूँ। तो देखिए फ्रेंड इसको मैं 2 मिनट रखा था, उसके बाद अभी चेक करूँगा इसमें कितना वोल्टेज बढ़ा है। तो देखिए मैं आपको मल्टीमीटर से चेक करके दिखा दूँगा। ये देखिए फ्रेंड 3.63 था, अभी 3.65 है। और एक बार मैं इसको लगा के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।